तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज का सफ़र हो चुका है स्टार्ट। आज चलना है मुझे मेरठ के लिए, तो अभी जा रहा हूँ मैं बस अड्डे के लिए। देखता हूँ कौन सी बस किस टाइम वाली मिलती है, फिर आगे करते हैं। बस अड्डे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, यहीं पे बस मिल गई रास्ते में ही। अब इसी में बैठता हूँ। नाश्ता करने का टाइम हो चुका है, सभी यात्री लोग उतर के नाश्ता करने पे चले गए हैं। अल्मोड़ा की प्रसिद्ध बाल मिठाई, इसको देखते ही मुँह में पानी आ जाता है। हेलो अमित भाई, किस टाइम आ रहे हो? अरे हाँ हाँ प्रमोद भाई, अरे आ रहा हूँ यार, थोड़ी देर इंतज़ार कर लो। ठीक है, आता हूँ, और लोग भी आ रहे हैं, उसके बाद आता हूँ मैं साथ में, फिर चलते हैं सब लोग। थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद साथी लोग पहुंच चुके हैं, अब इन्हीं के साथ मुझे भी सफ़र करना है आगे का। अभी यहाँ पहुँचे हैं गाड़ी में सीएनजी डालने के लिए, थोड़ी देर वेट करना पड़ रहा है बाहर से, उसके बाद फिर चलेंगे आगे की तरफ को। मेरठ पहुँचने में देरी हो गई, इसलिए पहले लंच किया हम लोगों ने। दोस्तों खाना खाने के बाद थोड़ा टहलने निकले हैं हम लोग, थोड़ा मेरठ की सड़कों पे देखते हैं क्या हलचल हो रही है। हमारे साथी लोग आ रहे हैं टहलते हुए, आइसक्रीम का मजा लेते हुए। ब्लॉगर ये हैं ललित भाई साहब, ये बहुत दूर से आए हैं लानी खेत। तो पहाड़ों में तो हम लोग रात में इस समय हम लोग की लगभग आधी नींद हो जाती है, लेकिन यहाँ पे देखिए देखिए पूरा चहल पहल हर तरफ चल रहे हैं। आजा भैया आजा, भूल मत जाना। बस पहाड़ और प्लेन्स में यही होता है कि यहाँ जो दिन और रात का समझ में नहीं आता है। साथियों से पता करता हूँ तैयार हुए नहीं हुए। खोलो खोलो दरवाजा खोलो भाई लोग। कौन आ गया? हाँ हाँ, मैं सर जी क्या हाल चाल? बस बढ़िया भैया, क्या हाल चाल लग रहे हैं? बस बढ़िया, ठीक हो? बस जिस होटल में रात में रुके थे वहाँ से मीटिंग वाला होटल 7-8 किलोमीटर दूर है, वहाँ चल कर के देखते हैं कैसा माहौल हो रहा है। Thank you.
तो फाइनली पहुंच गए हैं हम लोग होटल में जहाँ पे मीटिंग होनी है। रात को किसका तोड़ दिया तुमने? आओ इधर आ, जो नेगेटिव आ रहे हैं ना तो चला। गणपति बप्पा मोरिया। दोस्तों होटल तो बहुत शानदार है, हर तरफ चकाचौंध चमक। हम लोग इंतज़ार करते हैं लिफ्ट में जाने के लिए। चल चल। हेलो भाई लोग, आप लोग कैसे हैं? पर हम लोगों की मीटिंग होगी। चाय नाश्ते का टाइम हो चुका है अभी। मेरे साथी लोग अभी टी ब्रेक के लिए बैठे हैं इंतज़ार पे। लंबी लंबी लाइन लगी है आगे और करते रहेंगे। टाइम पास चल रहा है लोगों का। शानदार होटल है, काफ़ी मज़े आ रहे हैं। भाई साहब चैटिंग चल रही है, सबकी फ़ोटोग्राफी हो गई है लगभग लगभग लोगों की। कुछ लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं अभी, देख लीजिए। टाइम हो चुका है, सूप का आनंद लिया जा रहा है। प्रमोद भाई तो हमारा डिनर चल रहा है। अब ललित भाई से पता करते हैं उनको कैसा लग रहा है खाना होटल का। ललित भाई आपको खाना कैसा है? हाँ, प्रमोद भाई साहब क्या कहते हैं? एक इन्होंने बोला खाना बहुत अच्छा बना है, बहुत ही लाजवाब है, होटल भी बहुत लाजवाब है, 5 स्टार होटल। भाई साहब हमारे दलीप से इनसे पूछते हैं जरा खाना इनको कैसा पसंद आ रहा है। झक्कास झक्कास है भाई, झक्कास। सुंदर बताइए कैसा लगा आपको खाना? बहुत ही गजब मस्त बना। क्या है आपकी थाली में दिखाइए आप हमें, हमारे दर्शकों को। थोड़ा नॉर्मल चीज़ें खाता हूँ। ओके ओके। काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस लग रहे हैं आप अपने खाने से। खाए रहिए भाई लोग। 5 स्टार होटल के पूरे मज़े ले रहे हैं। फोटो शूट चल रहा है हर जगह, देख लीजिए। बस देखो पोज पे पोज देते जा रहे हैं ललित भाई हमारे। बनता है इस होटल का नज़ारा। दोस्तों होटल से बाहर निकलने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा एकदम उबले हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी उमस टाइप की हो रही बाहर में। थोड़ा घूमने के बाद अंदर की तरफ चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी जैसी लग रही है। शहरों में ये ऊँची ऊँची बिल्डिंगें देख सकते हैं आप लोग। तो मीटिंग पूरी हो चुकी है, अब सब लोग अपने अपने घर को ले जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा थकान हो गई मीटिंग में, सुबह से लेकर शाम तक लगे रहे। अब सब लोग अपने अपने घर के लिए तैयारी कर रहे हैं। ठीक है भाई, मिलते हैं। ठीक है ललित भाई, मिलते हैं फिर। ओके ठीक है, मिलते हैं। साजी ओके, आई लव यू। ओके।